नमस्कार। आज शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान रिलीज हो गई। इस फिल्म को लेकर फैंस में एक जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। एडवांस बुकिंग के मामले में पठान ने KGF 2 के 5 लाख बुकिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म का विरोध भी अभी भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने फिल्म देखी है तो ठीक है, और नहीं देखी है तो हम आपको बताएंगे इस फिल्म का पूरा रिव्यू, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। दरअसल फिल्म की कहानी एक एक्स भारतीय एजेंट जिम की है, जिसके परिवार को उसी के सामने इसलिए मार दिया गया क्योंकि भारत ने उन्हें छुड़ाने के लिए मुआवजा नहीं दिया। जिम को मरा हुआ समझकर भारत सरकार ने उसे वीर पुरस्कार दिया, लेकिन जिम बच गया। और कुछ ही समय बाद जिम ने भारत से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया और एक बायोलॉजिकल हथियार बनाया। जिम को रोकने के लिए भारत की तरफ से पठान और उसकी टीम तैयार की गई, और मिशन के दौरान पठान की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जिसका नाम डॉक्टर रोमिना खान होता है, जो पठान का मिशन और ज़्यादा मुश्किल कर देती है। अब पठान कैसे ताकतवर जिम को रोकेगा या रोक पाएगा भी या नहीं, यही है फिल्म की पूरी कहानी। शाहरुख खान पठान के रोल में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। एक्टिंग में उनका कोई तोड़ नहीं है। एक्शन सीन्स ने भी शाहरुख को इम्प्रेस करके रख दिया है। दीपिका पादुकोण की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, लेकिन उनके खाते में अच्छे डायलॉग्स नहीं आ पाए। वैसे तो उन्हें पाकिस्तानी डॉक्टर से ISI एजेंट बनने का किरदार दिया गया है, लेकिन जिस बोल्डनेस से वो दिखाई दी हैं, नजर आई हैं, उसमें पाकिस्तानी टच बिल्कुल भी नहीं मिलता। उनके पाकिस्तानी एजेंट पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने सीनियर ऑफिसर्स के रोल में अच्छी परफॉर्मिंग की है। यहाँ सबसे अच्छा रोल जॉन अब्राहम का इस पूरे फिल्म में देखने को मिला। इंटेंस लुक और दमदार डायलॉग के साथ बना जॉन का किरदार जब भी आया है पर्दे पर, शाहरुख खान पर भारी पड़ा है और इसका एक्शन शाहरुख को फेल करता दिखाई दिया है। फिल्म में जॉन की डायलॉग डिलीवरी काफ़ी कमाल के देखी गई है। डायरेक्शन की बात करें तो सिद्धार्थ आनंद के काम को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। उन्हें सभी सीन्स को उन्होंने बहुत ही बखूबी से पेश किया। स्क्रीन प्ले के लिहाज से फिल्म बहुत ही बेहतरीन बनी हुई है, जिसमें नुक्स निकाल पाना मुश्किल है। पठान का बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी एकदम फ्रेश है, किसी भी म्यूजिक को ओवरयूज नहीं किया गया है, जो कि इस फिल्म का प्लस पॉइंट भी है। पठान के एंथम को भी कहीं कहीं ही इस्तेमाल किया गया है। हर सीन का एक नया म्यूजिक उसे फ्रेश बनाता है। एक्शन सीन में हाई लेवल VFX आपको सीट से हिलने देगा, कभी भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि सीन नकली है, जो इसका प्लस पॉइंट है। एक्शन सीन भी इस पूरे फिल्म में काफ़ी स्मूथ है। फिल्म की कहानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, लेकिन इसमें राइटर हर किरदार की पिछली स्टोरी नहीं दिखा पाए हैं। दीपिका पादुकोण के बचपन को चंद सेकंड में समेट दिया गया है। इसके बाद आपको खुद उनकी कहानी इस फिल्म को देखकर ही समझनी होगी। पठान किरदार को थोड़ा सा डिटेल के साथ बनाया गया है, लेकिन उसमें भी राइटर गहराई तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि शाहरुख की एंट्री ही पिटते हुए होती है, तो दर्शकों को तालियां बजाने का मौका नहीं मिल पाता। जॉन के एंट्री सीन में की गई मेहनत इस पूरे फिल्म में साफ साफ दिखती है। सलमान खान यहाँ चंद मिनटों के कैमियो में दिखाई दिए हैं, जो धीमी पड़ी फिल्म की रफ्तार को एक बार उस फिल्म में तेज़ करते दिखाई देते हैं। सलमान यहाँ टाइगर बनकर दोस्त पठान की मदद भी करते हैं और गुदगुदाते भी हैं। एक और बात जो यहाँ पर खलती है वो है कि कहानी मिशन से शुरू होकर मिशन पर ही खत्म कर दी गई है। रोमांस की एक कमी है पूरी फिल्म में, जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही गाना है जो बेशरम रंग, इसके अलावा दूसरा गाना आपको फिल्म खत्म होने के बाद ही देखने को मिल पाएगा। इस फिल्म में विलन बने जॉन को कुछ ज़्यादा ही ताकतवर दिखाया गया है, लेकिन आखिर में उसे यूं ही आसानी से गिरा दिया जाता है। विलन का बार बार अपने प्लान और उसे रोकने का तरीका खुद बताना भी आपको अटपटा लग सकता है। बेशरम रंग जहां तक गाने की बात है, तो दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी गई भगवा बिकनी पर खूब विवाद हुआ था, लोगों ने उसका विरोध किया था, एक हैशटैग बॉयकॉट पठान ट्रेंड करवाया गया था और फिल्म रिलीज रोकने की मांग की गई थी। विवाद बढ़ने के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया था, लेकिन इसके बाद मेकर्स ने फिल्म से भगवा बिकनी तो नहीं हटाई, लेकिन भगवा बिकनी पहनी दीपिका पादुकोण और शाहरुख का एक बोल्ड सीन उस फिल्म से हटा लिया था। तो मिला जुला कर देखा जाए तो पठान बहुत अच्छी फिल्म है, और जिस तरह से दर्शक उसे पसंद कर रहे हैं, एक क्रेज दिखाई दे रहा है उसे देखकर, आप सिनेमा घरों में जा सकते हैं, उस फिल्म को देख सकते हैं। बाकी कहानी आपको फिल्म देखकर ही समझनी होगी। वैसे हमने तो बस एक हिंट दिया है, रिव्यू दिया है, तो अगर हम अपने हिसाब से देखें तो भाई फिल्म बहुत अच्छी है। इसे आप 4 स्टार तो दे सकते हैं। कुछ कुछ कमियां हैं फिल्म में जो कि हमने आपको बताई,
तो आपका आपने पठान देखी या नहीं देखी, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।